आवाज उठाई, वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे सारी कोशिश की, सब कुछ किया। जब इतना प्रेशर बना, एक बहुत लंबा वीडियो बनाया था, लाइव वीडियो बनाया था और 1,00,000 बच्चे उसको एक साथ देख रहे थे उस वीडियो को, और वीडियो बहुत शेयर हुआ, तब अगले दिन एनटीए ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया। उस डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने अब बोला कि हमने असल में 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं और उसमें से 6 बच्चों को 720 में से 720 भी दिए हैं। जो आप लोग बोल रहे हैं वो सही है। ये 1563 बच्चे भारत के 4 स्टेट्स के कुछ सेंटरों से हैं, सेंटर का नंबर नहीं पता, कुछ सेंटरों से हैं। ये बच्चे माननीय हाईकोर्ट जाके बोले कि हमारा समय का नुकसान हुआ है तो हमने इन्हें ग्रेस नंबर दे दिए हैं। अब देखिए कॉन्ट्रडिक्टरी है, जो 5 मई का उनका खुद का नोटिस है कि उस सेंटर को छोड़ के और, तो आप सच्चाई बोलो ना, आप एक्सेप्ट करो 5 मई को कि अभी हमें नहीं पता है समय का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। कल फाइनली जब हमने हर तरह से एनटीए का दरवाजा बार बार खटखटाया, बार बार सवाल पूछे और बोला कि 1563 बच्चों की कम से कम हमें लिस्ट दे दो। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पहली बार आप ग्रेस नंबर दे रहे हैं, लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं, बार बार पूछने पे भी एग्जैक्ट लिस्ट नहीं बता रहे, सेंटर का नाम नहीं बता रहे। तो हमने कहा कि अब यहां से नहीं काम हो पाएगा, अब यहां पे हम आंदोलन नहीं कर सकते हैं, चलते हैं हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास। वहां हमने पीएल दाखिल की और वहां हमने पूछा कि पेपर लीक के मुद्दे को क्यों एनटीए छुपा रहा है। सर ये बताइए, जो नीट का रिजल्ट आया है यूजी का, पहले भी कई तरह की शिकायतें आई है रिजल्ट को लेकर, और इस बार जो रिजल्ट आया है उसको लेकर जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा परेशान हुए हैं, इरेगुलरिटीज पे सवाल उठाए गए, एनटीए पे सवाल उठाए गए हैं, क्या कहेंगे आप उस पर? बहुत सारी दुविधाएं हैं। अभी तक पिछले 5 साल में नीट में इस तरह का कट ऑफ हम लोग ने कभी नहीं देखा जिस तरह का कट ऑफ इस बार जा रहा है। रैंकों की मैं बात करूं तो रैंक 1 720 में से 720, तो 2021 में 3 बच्चा आ गया, 2022 में एक भी नहीं आया, 2023 में 2 बच्चा आ गया और 2024 में 67 बच्चे रैंक 1, यानी 3000% बच्चे बढ़ गए जो रैंक 1 पे पहुंचे 720 में से 720। इसके बाद अगर बात करें उस नंबर की कि जिसपे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाना चाहिए, और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की ही सारी होड़ है क्योंकि वहां की फीस कम है, प्राइवेट में ज्यादातर बच्चे जाना नहीं चाहते हैं, तो मैं बात करूं पिछले वर्ष की और उसके पिछले वर्ष की, उसके पिछले वर्ष, तो 640 नंबर का एक स्कोर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। 640 नंबर के स्कोर में 2021 में जो रैंक बनती थी वो 6000, अगले साल जो रैंक बनी 7000, उसके अगले साल जो रैंक बनी 10000, तो ठीक है 6000 से 7000 से 10000 समझ में आता है। इस साल 640 नंबर पे वही रैंक बन गई है 40000, तो 6000 से 7000 से 10000 समझ में आ रहा था, 10000 से 40000 अब समझ में नहीं आता है। 640 नंबर के स्कोर पे जब 10000 रैंक आई थी पिछले साल बच्चों की, तो उसको हंसते हंसते एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता था, वो सस्ते में अपनी एमबीबीएस कर लेता था। अब 640 नंबर पे उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाला है, शायद 650 में भी ना मिले। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स होंगे जहां पे सीट्स कम है, स्टेट कोटा वहां पे जब लगेगा तो रैंक बच्चे की बहुत बार भागेगी, तो वहां पे 650 नीट का एक बहुत बेहतरीन स्कोर मानते हैं हम सारे टीचर्स, उस स्कोर पे भी उसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिल रहा है। अब सवाल उठता है ऐसा क्यों हो गया, अचानक से क्या बच्चे बहुत पढ़ने लग गए, सारा भारत पढ़ने, एनडीए ने यही बोला है कि बिकॉज ऑफ द कॉम्पिटेटिव नेचर एंड हाई परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, कि बहुत ज्यादा परफॉर्म कर दिया। इन्होंने ये भी बोला कि पेपर का लेवल इजी था, तो हम सारे शिक्षकों ने एनालाइज किया, हमने कहा नहीं पेपर का लेवल तो वही था जो चल रहा था, 2% ऊपर 2% नीचे, सब्जेक्टिव चीज है, पर ऐसा नहीं था कि पेपर का लेवल बहुत आसान है। अब इसकी कहानी पीछे जाती है तो 5 मई की घटना है, पटना पुलिस की FIR है कि पटना पुलिस ने एक सफेद रेनॉल्ट डस्टर को रोका क्योंकि उनको झारखंड से एक एजेंसी से इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस नंबर की गाड़ी को रोक के इसको चेक करना। इसमें मैं शाबाशी दूंगा पटना पुलिस को कि गाड़ी को रोका, गाड़ी को जैसे ही रोका उसमें से 3 व्यक्ति बाहर भागने लगे, गाड़ी की चेकिंग की, उसके अंदर से 4 एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी निकली, उन 4 एडमिट कार्ड में से उन्होंने एक एडमिट कार्ड उठाया आयुष राज नाम का और उनका सेंटर देखा DAV, डेफिनेटली उनको कुछ इंटेल मिली थी, कुछ गड़बड़ी है, तो वो सेंटर पे पहुंच गए। अच्छी बात है उसके पेपर खत्म होने का इंतजार भी किया कि अभी हमें सिर्फ शक है। पेपर खत्म होने के बाद उन्होंने उस व्यक्ति को वहां से पकड़ा, कैंडिडेट को आयुष राज को, और उससे पूछताछ की कि भाई क्या चल रहा है, तो उसने बोला कि मुझे एक रात पहले ही यहां का एक स्कूल है पटना में लर्न एंड प्ले, यहां पे मुझे रोका गया, मैंने पैसे दिए थे और मुझे यहां रोका गया और मुझे नीट का पेपर दिया गया, और जो पेपर मुझे रात में दिया था हूबहू वही पेपर एग्जामिनेशन सेंटर में मैं करके आया हूं। तो फिर पुलिस वाले ने पूछा ऐसे और लोग हैं, तो उन्होंने ऐसे करते करते 20-25 अभ्यर्थी बताए जिन्होंने ये चीज की है जितने उनकी नॉलेज में है, उन्होंने कहा उसके बाद और भी लोग हो सकते हैं। इसके बाद पटना पुलिस ने इस ही संदर्भ में 13 लोग को अरेस्ट किया, जिनको अरेस्ट किया वो पुलिस कस्टडी में नहीं है, वो जुडिशियल कस्टडी में है, मैटर इतना सीरियस है, ये मैटर ऑनरेबल हाई कोर्ट में है। जब ये बात एनटीए को बताई गई तो एनटीए ने इसको पूरी तरह से डिनाई किया, लेके आया एनटीए डिनाइज एनी पेपर लीक। तो ये कैसे हो सकता है, एक
कैंडिडेट को, एक इंसान को इसमें क्या फायदा मिलेगा बोल के कि हमारे पास वो पेपर था जो असल में होने वाला था, या किसी पुलिस वाले को भी क्या फायदा मिलना है, एनटीए से पैसे तो मिलने नहीं है, किसी तरह की कोई भी फायदे की चांसेस यहां पे नहीं है। दूसरी बात, इस बात को पूरी तरह से इग्नोर किया गया, किया गया, किया गया। अब जब रिजल्ट आया है तो हम टीचरों के मन में यही बात चल रही थी, हम लोग को तब भी ये लगा था जब पेपर लीक की बात कि इस बार कट ऑफ कहीं ऊपर ना चला जाए पेपर लीक से। कोई नई घटना नहीं है, पेपर लीक हर वर्ष हुआ है, हर साल हुआ है। इस साल ऐसा बोला जा रहा है कि वो पेपर टेलीग्राम पे भी किसी तरह से पहुंच गया था। अगर सोशल मीडिया पे पहुंच गया है तो पेपर ना जाने कितने लोग के पास है। पेपर लीक इस देश में हमारा ये दुर्भाग्य है, हर एग्जाम के पेपर लीक होते हैं और हमारे जैसे शिक्षक एक्सेप्ट कर चुके हैं कि पेपर लीक होते हैं। हम अपने बच्चों को इतना तैयार करेंगे कि पेपर लीक होने के बावजूद भी परफॉर्म करें। कितने को लीक करोगे आप, 500 को, 1000 को, 2000 को, पर अगर वो टेलीग्राम पे गया तो नहीं पता। यहां तक सारी गड़बड़ी थी जिसको हम प्रूव भी नहीं कर पा रहे हैं और जिसको एनटीए ने इग्नोर किया। पर इसके बाद एनटीए ने खुद एक रास्ता बनाया कि आप और गड़बड़ियां देखो, ये तो एक बात थी लीक, हम और आपको गड़बड़ियां दिखाते हैं। रिजल्ट आते ही हमारे यहां से एक छात्र था, 720 में 720 नंबर आया, हम बड़े खुश हो गए, ऑल इंडिया रैंक वन आ गई और बड़ा बड़ा नाच रहे थे। शाम तक पता चला 67 बच्चों के 720। हमें लगा चलो कोई बात नहीं, सबने मेहनत की होगी। अगले दिन पता चलता है कुछ बच्चों के 719 नंबर आए। 719 नंबर नीट की परीक्षा में नहीं आ सकते, 719, 718 नहीं। नीट की परीक्षा होती है +4 -1 की। सारे सवाल सही करेंगे आप तो 720 नंबर, एक सवाल आपने छोड़ दिया तो उसके चार नंबर नहीं मिलेंगे तो 716, एक सवाल आपने गलत कर दिया तो चार नंबर तो गए ही गए और उस पर -1 भी लग गया गलत करने का तो 715। तो 720 के बाद 716 और 715, 719 कैसे आ गया। अब हम लोगों ने भी कहा कि अच्छा कहाँ है, चलो देखते हैं। तो हमारे पास शीट आई, हमने उसको वेरीफाई किया, हमने कहा सही है तो आया। फिर हमने आवाज उठाई कि एनटीए आप जवाब दो भाई 719 कैसे आया। ये जो सबसे बड़ी एनटीए के साथ प्रॉब्लम है वो ट्रांसपेरेंसी और कम्युनिकेशन की है। कम्युनिकेशन नहीं चाहते हैं, वो मेल करो, आप वीडियो बनाओ, आप ट्वीट करो, कुछ भी करो, कम्युनिकेशन। जब दो दिन का बवाल जब बहुत बड़ा तो एनटीए का एक छोटा सा प्रेस रिलीज आया जिसमें उन्होंने कहा कि इस वर्ष कुछ बच्चों के सेंटर पे समय का नुकसान हो गया था, टाइम लॉस हो गया था, पेपर देर से बटा, गलत पेपर बढ़ गया वगैरह वगैरह। ऐसे बच्चों को हमने नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगाया है जो कि एपेक्स कोर्ट के फैसले पे बेस्ड है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला 2018 का है जो कि उन्होंने बोला बस एपेक्स कोर्ट का फैसला है। इस वजह से इस बार कुछ छात्रों के 719 और 718 आए बस। और वो कहते हैं हम ट्रांसपेरेंट हैं। अगर ट्रांसपेरेंट थे, अगर आपने ग्रेस नंबर दिए हैं और ग्रेस नंबर देके 719 718 आए हैं और ये आपने इतिहास में पहले कहीं नहीं किया है, ये आपके ब्रोशर में मेंशन नहीं है, इसके आपके पास कोई लीगल डॉक्यूमेंट भी नहीं है कि आप ये फैसला ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। आपने कहा कि हमने खुद अपनी कमेटी बनाई इंटरनल और हमने माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2018 का डिसीजन को लिया और रेप्लीकेट कर दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन नॉट टेक दैट डिसीजन बिकॉज वो जो डिसीजन है वो क्लैट के एग्जामिनेशन का है। क्लैट का एग्जामिनेशन ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन में आसान है पता करना किस बच्चे का कितना समय गया, सर्वर में रजिस्टर हो रहा है। ऑफलाइन में बहुत मुश्किल है क्योंकि आपके 4,750 सेंटर है तो आप कैसे पता करोगे कहां पे कितना समय लॉस हुआ। क्या आप इंजुलेटर की बात पे भरोसा कर लोगे, कैसे आप मान लोगे। तो इन्होंने कहा हमारे पास सीसीटीवी फुटेजेस हैं हर सेंटर की, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। गांव में एग्जाम होते हैं, टीयर 3 में होते हैं, सारे सीसीटीवी फुटेज साथ में चल रहे हैं। अब इसके कॉन्ट्रडिक्टरी 5 मई जिस दिन पेपर हुआ है शाम को एनटीए का एक प्रेस रिलीज आया हुआ है 5 मई का है जिसमें एनटीए ने कहा कि एक सेंटर राजस्थान का सवाई माधोपुर है, वहां पे गलत पेपर बढ़ गए थे, हिंदी इंग्लिश का थोड़ा कंफ्यूजन था तो हमने पेपर शाम को करा दिया है। उक्त सेंटर के सिवा भारत के किसी भी सेंटर में बच्चों का ना समय का नुकसान हुआ है और शांतिपूर्वक तरह से पेपर हो गए हैं। हवाला क्या दिया कि हम सीसीटीवी फुटेज की लाइव व्यूइंग करते हैं अपने कंट्रोल सेंटर से एआई और ह्यूमन दोनों के द्वारा और हमने ये देखा है कहीं टाइम लॉस नहीं हुआ। तो फिर ये अब आप कैसे कह रहे हो टाइम लॉस हुआ है। अभी भी ट्रांसपेरेंसी पे एक और बड़ा सवाल उठने वाला है। अगले दिन हमने एक्सेप्ट कर लिया ग्रेस नंबर। अब उन्होंने जारी की टॉप 100 बच्चों की लिस्ट। टॉप 100 बच्चों की लिस्ट में रैंक सीरियल नंबर 62 से 69 तक सारे बच्चे एक ही सेंटर के हैं। कैसे पता चला? इनरोलमेंट नंबर, आप रोल नंबर देखते हो तो रोल नंबर के आखिरी के कुछ डिजिट उनका एक्चुअल रोल नंबर, बाकी उनका स्टेट, सेंटर कोड, ये सारी चीजें तो एकदम मैच कर रहे हैं। किसी का 168 है लास्ट में, किसी का 178 है, किसी का 186, किसी का 198। मतलब ये चारों बच्चे या तो एक ही रूम में या आसपास के रूम में। इसके सिवा दो तीन बच्चे और थे 333, 405 पास पास। और इसी सेंटर से वो 719 718 वाला नंबर भी दिखा। अब फिर से सवाल उठा क्या ये बच्चे क्या कुछ ऐसा सेटिंग कर रखा है, क्या पैसा दे रखा है, एक ही सेंटर से कैसे 6 बच्चों के 720 में से 720 आ सकते हैं हरियाणा के एक झज्जर से। इट इज इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। फिर हम लोगों ने आवाज उठाई, वीडियो बनाया, सोशल मीडिया पे सारी कोशिश की, सब कुछ किया।
जब इतना प्रेशर बना, एक बहुत लंबा वीडियो बनाया था, लाइव वीडियो बनाया था और 1 लाख बच्चे उसको एक साथ देख रहे थे उस वीडियो को, और वीडियो बहुत शेयर हुआ, तब अगले दिन एनटीए ने एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया। उस डॉक्यूमेंट के अंदर उन्होंने अब बोला कि हमने असल में 1563 बच्चों को ग्रेस नंबर दिए हैं और उसमें से 6 बच्चों को 720 में से 720 भी दिए हैं। जो आप लोग बोल रहे हैं वो सही है। ये 1563 बच्चे भारत के 4 स्टेट्स के कुछ सेंटरों से हैं, सेंटर का नंबर नहीं पता, कुछ सेंटरों से हैं। ये बच्चे माननीय हाईकोर्ट जाके बोले कि हमारा समय का नुकसान हुआ है तो हमने इन्हें ग्रेस नंबर दे दिए हैं। अब देखिए कॉन्ट्रडिक्टरी है, जो 5 मई का उनका खुद का नोटिस है कि उत सेंटर को छोड़ के और, तो आप सच्चाई बोलो ना, आप एक्सेप्ट करो 5 मई को कि अभी हमें नहीं पता है समय का नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है। एनटीए ने भी बार बार जो अपनी स्टेटमेंट है वो बदली, एंड दैट इज द बिगेस्ट रीजन जब वो स्टेटमेंट बदल रहे हैं कि अब बच्चे इस बात पे भी भरोसा नहीं कर रहे कि वो नंबर 1563 है या वो 1563 है। अब हम कैसे माने, क्योंकि आप अपनी बात से बार बार स्विच करते हो और कुछ बातें आप ऐसी करते हो जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप लिखते हो अपने नोटिस में कि हम 4750 सेंटर के और हर सेंटर पे कम से कम 10 रूम, 47500 कैमरे की हम लाइव व्यूइंग करते हैं फुटेज की, नहीं कर सकते एआई ह्यूमन की मदद से, और हम शाम तक कह सकते हैं कहीं समय नुकसान नहीं हुआ है, और 1 महीने बाद हम कहते हैं कुछ लोग हाईकोर्ट के थ्रू आए थे तो समय का नुकसान हुआ है। इतने तरह का इसमें राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। पहला, जिस बच्चे ने मेहनत से पेपर दिया उसे ग्रेस नंबर नहीं मिला, और ग्रेस नंबर से एक बच्चा 720 पे पहुंच गया, क्या वो उसके केपेबल था? इन्होंने कहा हमने आंसरिंग एफिशिएंसी चेक की, स्पीड चेक, कोई क्लियर फॉर्मूला अभी भी नहीं दिया है। इनफैक्ट अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने फॉर्मूला पूछा और हमने ये देखा कि एनटीए डायरेक्टर को फॉर्मूला नहीं पता था उस वक्त तक। बहुत गोलमोल किया उन्होंने, बोला स्पीड है, आंसरिंग एफिशिएंसी, कैंडिडेट, देखिए केस टू केस डिपेंड करता है। अरे आप इतने बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, आप खटाक से फॉर्मूला बता सकते थे, केस 1, केस 2, केस 3 या एक मोटा मोटा केस, तो उन्हें फॉर्मूला भी नहीं बताया। कल फाइनली हमने हर तरह से एनटीए का दरवाजा बार बार खटखटाया, बार बार सवाल पूछे और बोला कि 1563 बच्चों की कम से कम हमें लिस्ट दे दो। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि पहली बार आप ग्रेस नंबर दे रहे हैं, लिस्ट जारी नहीं कर रहे हैं, बार बार पूछने पे भी एग्जैक्ट लिस्ट नहीं बता रहे, सेंटर का नाम नहीं बता रहे, तो हमने कहा कि अब यहां से नहीं काम हो पाएगा, अब यहां पे हम आंदोलन नहीं कर सकते, चलते हैं हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास। वहां हमने पीएल दाखिल की और वहां हमने पूछा कि पेपर लीक के मुद्दे को क्यों एनटीए छुपा रहा है, क्यों एफआईआर के अंदर लिखा है, क्यों नहीं हम उसकी जांच करा लेते हैं, क्यों वो मुद्दा पूरी तरह से इग्नोर है। फिर हमने पूछा ग्रेस नंबर का कॉन्सेप्ट कैसे लगा सकते हैं, इसको इतनी ज्यादा इंडिपेंडेंस किसने दे रखी है कि इतने सारे बच्चों के फ्यूचर से खिलवाड़ कर रहे हैं। एक बच्चा 620 नंबर लाके बैठा है जो कि बहुत अच्छा स्कोर है, 4थी बार ड्रॉप है उसका, 5 साल हो गए तैयारी करते करते, इस वर्ष उसने सोचा था अब तो मेरा निकल जाएगा, पर बहुत सारे बच्चों को 650 680 नंबर आपने ग्रेस के बेसिस पे दिया। जिन बच्चों को 720 में से 720 दिया, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, वो इसके केपेबल नहीं थे, मैं कैसे बता सकता हूं? उसमें से एक बच्चा हमारे ही ऑनलाइन प्रोग्राम में पढ़ता था, रिजल्ट के बाद वो हमसे मिलने आया और जब मिलने आया तो हम तो पहले ही चेक कर लिए थे उसका नंबर क्या चलता है। हमारे एग्जाम्स के अंदर उसका स्कोर चलता था कभी 630, कभी 640, 600, अच्छा बच्चा है 630 ला सकता है। हमने उसे कहा यार तेरे कभी टेस्ट में नहीं आया 720, ऐसा इतना नंबर नहीं आ सकता। बोला सर हम तो एक क्वेश्चन छोड़ के आए थे। बोला सर हम तो जोड़े हमारा 660 आ रहा था जोड़ने पे। तो हमने कहा तुमको 720 कैसे मिला? करा हमें नहीं पता। अब देखिए मैं नहीं कह सकता बच्चा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, पर जो भी कहानी हमें इतना श्योर है वो केपेबल नहीं था 720 के। तो आपने काफी ऐसे बच्चों को नंबर दे दिए जो केपेबल नहीं थे, और कितनों को दिए इस पे से बच्चों का भरोसा हिल चुका है। लगभग 23 लाख से ज्यादा जो है बच्चे वो अपीयर हुए थे इस एग्जाम के लिए, बच्चों का कितना मनोबल टूटा होगा, आप खुद एक इंस्टीट्यूट रन करते हैं, करोड़ों बच्चों को पढ़ाते हैं। बच्चे बहुत टूट चुके हैं क्योंकि मतलब उन्होंने सुना था कि दरोगा भर्ती में पेपर लीक हो जाता है, बैंक के पेपर लीक हो जाते हैं, उनको नहीं लगा था ये डॉक्टर बनाने वाला, उनको लगता था कि ये तो प्रेस्टीज एग्जाम है, बहुत एमबीबीएस डॉक्टर इसका पेपर कभी लीक होगा या इसके अंदर इस तरह का कुछ होगा कि ग्रेस नंबर आएगा, पता ही बच्चे ना गिव अप कर दिया। वो कह रहा है कि मैं डॉक्टर बनूं ना बनूं, जो बच्चा 11वीं में है 12वीं में है वो कह रहा है इस देश में डॉक्टर किस तरह से बना जाएगा, क्या ये प्रोसेस है, मैं तैयारी करूं ना करूं। बच्चा बहुत परेशान है, सड़कों पे उतरा हुआ है, रो रहा है, परेशान है, माँ बाप रो रहे हैं। हम लोग कल बहुत सारे माँ बाप से मिले बच्चों के और बच्चों से मिले, वो हमसे एक बच्चा आकर हमसे पूछ रहा है सर मैं क्या करूं, उसने 4 बार मुझसे पूछा, 4थी बार जब उसने पूछा सर मैं क्या करूं, मैंने कहा बेटा मेरे पास नहीं है ताकत ये बताने की तुम क्या करो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि इसका जवाब मिल पाए। 630, 620, 610 इन सब नंबर पे अलग अलग स्टेट में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलते थे, आज 650 पे श्योरिटी नहीं है। इसका रीजन या तो पेपर लीक है एट मासेस, या तो इसका रीजन ये हो सकता है कि जो ग्रेस नंबर है वो बहुत सारे बच्चों को मिले हैं जो कि सामने नहीं आ रहा है। एम्स इंस्टीट्यूट में अगर बच्चे को एडमिशन लेना है तो अब क्या स्थिति बनी है?
एम जैसे इंस्टीट्यूट में बच्चों को अगर एडमिशन लेना हो तो उसको अपना फॉर्म पहले भरना पड़ेगा और उम्र में बुढ़ा होना पड़ेगा, और उसके बाद अपने एग्जामिनेशन सेंटर पे जाके एनजुलेटर से बोलना होगा हमें पेपर मत देना, समय का नुकसान कर दो, मेरे 720 आ जाएंगे। ये तरीका है, अगर इस करंट मेथड को मैं देखूं तो ये मेथड यही कहता है। या दूसरा तरीका है 50 लाख रुपए इंतजाम कर लो, आप सेटर वगैरह को दे दो, पेपर खरीद लो। इस बार 67 बच्चों के 720 में से 720 आए, ठीक है। एम्स दिल्ली के अंदर अगर आप कुल जनरल बच्चों की सीट लें, कोहर्ट ले लेते हैं जनरल बच्चों का, तो जनरल बच्चों की सीट कुछ 46 है, यानी ये 67 के 67 बच्चे अब एम्स दिल्ली नहीं पहुंच पा रहे। अब ये बच्चा यही कहेगा ना कि इससे ज्यादा क्या नंबर ले आऊं, 720 तो ले आया हूं, इससे ऊपर क्या नंबर ले आऊं। तो ये सारे के सारे बच्चे यहां नहीं पहुंच गए, और ये प्रॉब्लम 720 के बाद 715 पे और बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल 700 नंबर की बात करूं, 700 नंबर पे पिछले साल जो रैंक बनती थी 300, इस बार रैंक बन रही है 2300। अब 700 नंबर पे आके 2300 रैंक बन गई है। एक एक नंबर पे हजारों कैंडिडेट है, 680 नंबर लाने वाले 1100 कैंडिडेट है। आप कैसे फैसला करोगे इसमें से कौन सा बेहतर है, कौन सा बेहतर नहीं है, किसको सीट दोगे आप, किसको नहीं दोगे। इन सब मुद्दों में मैं अगर मान लूं कि पेपर भी लीक नहीं था और ग्रेस भी हमने 1563 को दे दिए हैं, मैं मान लेता हूं कि सब आप सही हो, जो कि अब मुश्किल है, फिर भी मेरा सवाल है आपने फिर पेपर ही ऐसा सेट क्यों किया जिसके अंदर एक बच्चा पूरे नंबर लाने के बाद भी अपने टॉप कॉलेज में नहीं पहुंच रहा है। तो कुछ भी आप आंसर दो, कुछ भी आप ऑप्शन दो आपको। और एनटीए से मुझे एक चीज जो सबसे ज्यादा बुरी लगी कि जब डायरेक्टर साहब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाइनली आए, इस बार आके उनको पूरा ट्रांसपेरेंसी से सब बता देना चाहिए था और बोल देना चाहिए था कि हम थोड़ी सी माफी चाहते हैं। क्या चाह क्या रहा है आपका, सच्चाई बोलने में क्या जा रहा है? उनको लगता है कि बच्चे उनसे नफरत करेंगे या बच्चे उनको बहुत ही हेट देंगे, तो दे रहे। अगर आके आप बोलते कि बच्चों हमसे गलती हुई, इस देश में हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी है, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई कि हमने आपको पहले से नहीं बताया ग्रेस नंबर का, और बच्चों हम सच बोल रहे हैं 1563 का ही नंबर है, और बच्चों हम खुद सरकार से कहते हैं इसकी जांच कर ले और अगर कुछ निकलता है तो हम जो आप कहोगे वो हम कर देंगे, ऐसा स्टेटमेंट दे सकते थे ना, भरोसा आ जाता बच्चों का। अभी क्या है, अगर ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया होता आज बच्चा प्रोटेस्ट नहीं करता। ये स्टेटमेंट वो दे देते ना कि बच्चों हम खुद बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट से कि प्लीज हमारे ऊपर जांच कमेटी बैठा के हमारी जांच कर दे, और कुछ भी निकला बच्चों तो हम माफी भी मांगेंगे और आप जो बोलोगे बच्चों हम वो कर देंगे, हम एक पोर्टल खोल देंगे और उसमें हम ओपिनियन ले लेंगे आपका, हम शिक्षकों से पूछ लेंगे, एकेडमिशन से पूछ लेंगे। पर नहीं, वहां आके उन्होंने क्या बोला, सिर्फ 1600 बच्चों को हमने ग्रेस नंबर दिए, लगभग 1563 नहीं बोला उन्होंने, सिर्फ 1600। सिर्फ जब बोल रहे हैं वो तो वो इस बात को शायद भूल रहे हैं कि इस 1600 में से कम 100 बच्चे तो ऐसे होंगे जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे। तो यानी 100 बच्चा भारत का इन बच्चों की वजह से अपनी सीट नहीं पाएगा, डिप्रेशन में होगा, क्या करेगा मुझे नहीं पता है। आप सिर्फ नहीं बोल सकते, आपको एम्पैथी रखनी होगी जब आप इतनी बड़ी पोजीशन पे हो। आपको कहना चाहिए कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था, हम हेल्पलेस थे तो हमने ये किया, या आपको और बेटर सोल्यूशन लेके आना चाहिए। मैं तो उनको सजेशन दे रहा हूं, एक तो चीजें गलत हुई, उसके बाद बिहेवियर भी गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट उन्होंने ये दिया कि पेपर लीक के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा कोई पेपर लीक नहीं, आपको कहना चाहिए कि पेपर लीक का मुद्दा कोर्ट में है और हम चाहेंगे 7 दिन के अंदर वो सॉल्व हो, उसके बाद ही मैं काउंसलिंग स्टार्ट कराऊंगा। अगर पेपर लीक सच में हुआ है तो जो आप कहोगे वो मैं कर दूंगा। आप भारत के बच्चों का ट्रस्ट बहुत इजिली जीत सकते थे, पर वो आए थे उस मीटिंग में एक वर्ड को याद करके, एंड दैट वर्ड वॉज ट्रांसपेरेंसी। पूरे मीटिंग के अंदर उन्होंने 20 बार बोला एनटीए बहुत ट्रांसपेरेंट, बात कुछ चल रही है एनटीए बहुत ट्रांसपेरेंट एजेंसी है। अरे वो मीनिंग ही नहीं बन रही है, आप कितने प्रेशर, समझता हूं ऐसी चीजें होती है तो आप प्रेशर में आ जाते हो, और आप तैयारी करके नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप फॉर्मुला पढ़ के नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस का, 6 सेंटर का नाम भी नहीं बताया आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि किन सेंटर पे ग्रेस नंबर दिया है, कितने बच्चों को दिया है। जब उनसे पूछा गया कि सवाई माधोपुर राजस्थान में बच्चों का समय का डिले हुआ है, और ये हमारे पास वीडियोज हैं कि जब पेपर चल रहा है बच्चे बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस समय पे, तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा नहीं नहीं वहां सब सही हुआ है, आप क्यों नहीं बोलते कि उस सेंटर की जांच करा लीजिए, कुछ भी निकलता है तो हम सब सही कर देंगे। इन्होंने जिस फैसले का इस्तेमाल किया 2018 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, उस फैसले में यह भी लिखा था कि आप क्लैट को बोला गया था अपना पोर्टल फिर से खोलो, जिस बच्चों के ग्रीवेंसेस हैं उनको लो। इस पे इन्होंने बोला कि हमारी भी एक ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी है जीआरसी। मैं आपको बताऊं, इट्स वेस्ट, कभी किसी बच्चे की बात नहीं सुनते। किसकी बात सुनते हैं, एक ही इंसान की बात सुनते हैं, माननीय उच्च अदालत की। आप हाई कोर्ट के थ्रू मूव करो तब ये कहते हैं कि हाँ अब हम सुन लेंगे, अदरवाइज नहीं सुनते। अब आपको सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद है? उन्हीं से उम्मीद है, उनसे ही लास्ट उम्मीद है और हमेशा रहती है, भारत के बच्चों को भी है, कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी से इस मुद्दे को पिक करे और बच्चों को ये आश्वासन सबसे पहले दे कि बच्चों इस मुद्दे पे हम पूरी
ट्रांसपेरेंसी से, पूरी इंटीग्रिटी से एकदम सही फैसला देंगे, और जो फैसला होगा वो एकदम सत्य फैसला होगा। आप प्लीज रोड से घर चले जाओ, प्रोटेस्ट ना करो। इतना सारा बच्चा प्रोटेस्ट कर रहा है, अभी एक बच्चे का वीडियो आया बस से नीचे गिर पड़ा, ऐसी चीजें तो होंगी ना। मैं बच्चों से भी बहुत रिक्वेस्ट करता हूं कि बच्चों प्लीज प्रोटेस्ट ना करें, पर उसी समय मेरे मन में भी आता है क्या करे वो, क्या करे वो ट्वीट करे, वो मेल करे, वो क्या करे। मतलब आप 18 साल के बच्चे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो हाईकोर्ट में जाके आपके खिलाफ केस करे? इज दिस द वे टू बिहेव? आपको तो इतनी एम्पैथी रखनी चाहिए, कहना चाहिए बच्चों इस बार जो हुआ है ना पहले कभी नहीं हुआ, हो सकता हो कुछ हमने जो डिसीजन लिए शायद ठीक नहीं लग रहे हैं आपको, अब हम उसको सही करते हैं बच्चों, पर प्लीज आप अपने घर पे बैठिए, भरोसा रखिए। उसके बाद आपके पास तो भारत के सबसे बेस्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं, बेस्ट माइंड्स हैं, आप कमिटी बनाओ, आप बच्चे डिसीजन लो, यू कैन टर्न द गेम फ्रॉम हियर। वो शायद करना नहीं चाहते हैं, बच्चों को उनके इंटेंट पे डाउट होने लगा है पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबसे ज्यादा चीज वायरल हो गई कि चाय फोर्थ फ्लोर पे मिलेगी, तो बच्चों ने वो भी आजकल पिक कर लिया है, मीम वगैरह बनाने लग गए हैं। खैर वो सब तो अलग मुद्दा है, मुझे लगता है ये प्रोटेस्ट सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट को तुरंत रोकनी चाहिए, जल्द से मुद्दा फूक करना चाहिए। क्या ये रिजल्ट नहीं आता तो सुसाइड नहीं होता, ये भी सवाल पूछना चाहिए हम लोग को। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं सुसाइड वाली बहुत सीरियस है, पर क्या उसका इससे डायरेक्ट रिलेशन अभी है या ये हमेशा से था और ये हमेशा रहेगा? नहीं, ये एक चीज थी जो पहले से ही मौजूद थी, इसके बाद इतनी तैयारी करने के बाद इस तरह के रिजल्ट आना और ट्रांसपेरेंसी पे एक सवाल उठना, इररेगुलरिटीज दिखना। नहीं, मेरे बच्चों से मैं कहूंगा आप भरोसा रखिए, आप सुप्रीम कोर्ट पे पूरा भरोसा रखिए। एंड वन थिंग वी आर वेरी श्योर अबाउट आवर कंट्री कि हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, हमारा संविधान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बच्चों। सो डोंट वरी, इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम। आई नो यू आर वरिंग, आई एम ऑल्सो वरिंग। मैं 7 दिन से सोया नहीं हूं, ठीक से दौड़ रहा हूं, भाग रहा हूं, कभी न्यूज चैनल पे, कभी वीडियो बना रहे हैं, कभी हम लोग लॉयर्स के साथ बैठे हैं, और ये लाइफ हमने भी नहीं देखी है। सोचो बच्चों ने कहां देखी होगी। मैम कल रात को मैं यहां जेई एडवांस का रिजल्ट आया था, कुछ रैंक्स आई थी, बच्चों से मिल रहा था, और अचानक से मुझे लगा कि मैं क्या इंसान था, मैं क्या इंसान हो गया, मैं क्या कर रहा हूं दिन भर। ये जब मैं ये सोच रहा हूं, वो 18 साल का बच्चा क्या सोच रहा होगा जो प्रोटेस्ट कर रहा है सड़क पे उतर के, उसको लग रहा होगा मैं ये सब करने के लिए तो नहीं पढ़ रहा था पिछले 2 साल से 3 साल से, कहां पहुंच गए हम। और यहां पहुंचने के बाद भी एक स्टेटमेंट नहीं आ रहा है एजुकेशन मिनिस्टर की कि बच्चों ये प्रोटेस्ट मत करो। एक स्टेटमेंट आना चाहिए था सरकार का कि बच्चों ये प्रोटेस्ट मत करो, हम सॉल्व करेंगे आपकी प्रॉब्लम। सो बोलना चाहिए ना अब तो। ये जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन सरकार का भी रिजल्ट आना था, काउंटिंग भी थी, वो डे भी ऐसा था। तो आपको लगता है कि जानबूझ के ये जो दिन चुना गया इसके पीछे भी कोई वजह हो सकती है? देखिए होने को बहुत कुछ हो सकता है, स्पेकुलेशन तो बहुत कुछ लगा सकते हैं। एक ऐसा डोर है जिसके बियॉन्ड मुझे दिख नहीं रहा है, अब उस बंद दरवाजे के अंदर क्या हो रहा है किसी को नहीं दिख रहा है। जब वो बंद दरवाजा खुलेगा तभी समझ में आएगा कि अंदर क्या मसला है, तो अभी कहना बहुत मुश्किल है कि ये जानबूझ के किया। और मैं प्रार्थना करूंगा जानबूझ के ना निकले ये कमेटी के द्वारा भी, वरना मुझे नहीं पता है बच्चे कैसे बिहेव करेंगे आगे, आप एग्जाम्स कैसे लोगे, हम डॉक्टर कैसे बनाएंगे, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। मैं तो मनाऊंगा ऐसा कुछ ना निकले। लेकिन बार बार खासतौर पे यूजी नीट के साथ ही इस तरह से होना, इरेगुलरिटीज कुछ ना कुछ रिजल्ट्स में हर बार ही मुद्दा उठता है, हर बार मुद्दा उठ के दब जाता है, क्योंकि हर बार 719 नंबर नहीं दिखाता, ये 719 नंबर मिला। अब बच्चे ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आप बताओ आपने पहले भी ग्रेस नंबर्स दिए हैं क्या, क्योंकि इस बार भी देके आपने तो बताया नहीं था, आप तो चुप थे एकदम कि देख लो रिजल्ट्स। वो तो हमें 719 मिला तब आपने जवाब देना स्टार्ट किया, तब भी बोला कि 719 718, वो तो हमें 720 में से 720 6 एक ही सेंटर मिले, तब आपने और सारे जवाब दिए। फिर उसके बाद तो हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तब आपने जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। मुझे नहीं याद है पिछली बार एनटीए ने कब एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली होगी और इस तरह से ग्रीवेंसेस एड्रेस किया होगा। तो वो चाहते यही हैं, वो चाहते हैं कि प्रोटेस्ट हो, वो चाहते हैं कि हम लोग दिन भर लगे रहें, वीडियो बनाएं, ना हम पढ़ाएं ना बच्चे पढ़ें, हम दिन भर उनका दरवाजा खटखटाते रहें और वो शांति से बैठे रहें कि नहीं इधर से नहीं कोर्ट से घूम के आओ, हम वहीं से बात सुनेंगे। उन्होंने खुद बोला कि ये 1563 बच्चे ऑनरेबल हाईकोर्ट से होके आए हैं, तो इसलिए हमने इनको समय के नुकसान के बदले ग्रेस नंबर दे दिए हैं। और एक बच्चा जो गांव का, जिसको पता ही नहीं है कि समय के नुकसान पे क्या करना है, वो बैठा हुआ है, भरोसा कर रहा है कि एनटीए एक एजेंसी है जो बहुत अच्छी एजेंसी है, हमारा पेपर सही से कराती होगी। यानी कि अब एनटीए के अगेंस्ट जो है सवाल उठने शुरू हो गए। उठने ही थे मैम, बिहेवियर ऐसा है, टाइमली कम्युनिकेशन।
कम्युनिकेट ना करना, चीजों को क्लियर ना। हाँ, मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कम्युनिकेशन की है। हम भी एक संस्था चलाते हैं, हमसे भी गलतियां हुई हैं। कई बार हम पेपर बनाते हैं, बच्चों का गलत बन जाता है। कई बार हम भी पेपर बनाते हैं, कहीं चीटिंग हो जाती है, तो हमें भी पता गलतियां हो जाती हैं। जब गलतियां हो जाती हैं, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ यार, इस बार पेपर में दो क्वेश्चन गलत हो गए थे, अगली बार से कोशिश करेंगे, सब सही कर देंगे। तो जब भी मिस्टेक हो, कम एंड एक्सेप्टेड, एंड देन एक बार तो एक्सेप्ट कर लो गलती हुई है, फिर बच्चों को बोलो कि आप हम पे भरोसा करिए। मैं एनटीए को यही सच, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए मैं प्रोटेस्ट का समर्थन नहीं करूंगा, मुझे फ्यूचर भी चाहिए ना देश का। फ्यूचर यहाँ से नहीं है, अगर बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे, भगवान ना करे कोई एक दो हादसा यहाँ होता है, तो वो फ्यूचर नहीं। मैं तो चाहूंगा प्रोटेस्ट तुरंत बंद हो। प्रोटेस्ट बंद कराने का तरीका है, माननीय सुप्रीम कोर्ट या सरकार या एनटीए आए और हाथ जोड़ के बच्चों से बोले कि बच्चों आप हमारे देश का भविष्य हो और आपके लिए हम जी जान लगा देंगे, और जो भी आपकी कंफ्यूजन है हम कमेटी बैठा के पूरी चीज क्लियर करेंगे। और हम कहते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ही वो कमेटी बता दे, पूरी ट्रांसपेरेंट रिपोर्ट रखेंगे, कुछ नहीं छुपाएंगे। ये है 1563 बच्चों की लिस्ट, ये उनके एनरोलमेंट, आप बता दो ना। आर यू हाइडिंग समथिंग? द बिग क्वेश्चन इज, आर यू हाइडिंग समथिंग?